नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मोटिवेशनल वीडियो वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस माय लाइफ एज ए जूसिनी मूवी के केवल ऑडियंस रही हूँ और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मोटिवेशनल कोट्स, दूसरा आपके एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट और तीसरा इस माय लाइफ एज ए जूसिनी मूवी के ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जहां पर आपको मोटिवेशनल कोट्स आपकी लाइफ को बूस्ट करेगा, वही एजुकेशन फैक्ट आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा और इस माय लाइफ एज ए जूसिनी मूवी के जो फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं उसको देखने के बाद मैं आपको इस माय लाइफ एज ए जूसिनी मूवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस प्रकार के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोट्स, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोट्स। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, पैसे के चलकर समंदर भी आएगा, थके हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दूसरा मोटिवेशनल कोट्स, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राई को, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राई को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। घास पाड़ सलाटर की साल 2022 के अंदर कौन सी बड़ी मूवी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। साल 2016 में रिलीज हुई माय लाइफ एज ए जूसिनी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी गास्पार सलाटर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था माय लाइफ एज ए जूसिनी मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि माई लाइफ एज ए जूसिनी मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 6 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 6 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 7.7 है और इस मूवी की रिलीज डेट 19 अक्टूबर 2016 को स्विट्जरलैंड के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर क्लूड बारस थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं माई लाइफ एज ए जूसिनी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस 70 मिनट्स फ्रेंड्स कैलेमेशन इज आर्ट एंड वंस हार्ट ब्रेकिंग एंड गुड डार्क होप फुल मेजिकल एंड रियल्टिक इन इट इज शॉर्ट रन टाइम इट मैनज टू कंफर्टेबल सो मच अबाउट इट इज एंडरिंग एंड अदरवाइज करेक्टर दैट इट कैन ओनली बी कॉल्ड ए मास्टरफुल रिटन यूजफुल अपलिंग परफेक्ट वॉइस एक्ट एंड ब्यूटिफुल साउंड ट्रैक सिनेमाटिक गोल्ड बियॉन्ड ऑल दैट हैज द बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव प्रिपेसिंग एंडिंग दैट आई हैव एवरी एक्सप्रेशन विथ
poignant and intelligent dialogue that leaves a deep emotional impact on the viewer that it itself should be an example reason for it to be stupid by the all writer and creator. Story, this is not children film, even throughout children would benefit seeing it. The times of covers and so openly dark one of the surprise that I genius surprise but by a lot of the dialogue how it all comes together to create a moving and sincere tale of childhood and family it is developed so well for such a short film the humor was amazing too the world is small all through the I do not think is need to very big character design to disconnect and really like the work of on the eyes the vehicle are ridiculous and mad the company there was a good splash of world and character detail on the teeny shades the music so is very great and the sound design was very good for all that need to be eye watchable this is French and with subtitles and the voice cast was all very appropriate for the respect roles of this I am passed this lost of Oscar of this good thing about very fantastic and good and kids that movie the claymation it is cute and whimsical it more that of 2-4 plus or really easily was inside a brilliant heartbreaking and enduring world of childhood cancer I was given this by the other and I absolutely love it I love now the another of this poor reputation of one of the main character Clued and also about Clued classmate Victor Pym and Whitey I am also love how the other incorporated in literature into the book it is great book if you want something to read but it also a great book if you are looking for a book with a message my good this movie was good there is some hat towards the style of the character and the fact it read background throughout it am self not very appropriate things but the storyline was amazing the character very fighting and claymation is the uncute throat they could have read the movie and 17 something it was wonderful message that was sad and happy it could be depression and some points but that max op recommended stunning the animation was and immaculate he eyes expression in the world the storyline was incredible and rather amusing I conclude to recommended that Spelling animated movie had not seen such a good film is so long the film is so heartwarming touching and enduring the character are so complex yet so simple the waiting of the pathetic note the mansion technical so great just awesome what I enjoy most about this masterpiece of a film was that is was not afraid to delve deep into the depressing and triggering story behind an insightful look of at children in foster care who would like to be adopted by the right parents this animation works well as the medium and good hope the disaster the most beautiful stop motion picture I have every seen my one animated film that brought tear of my eyes as expected from yellow series friends animator I lovely stop motion driving the inocons of the foster children their feelings and soapy younger voice is the perfect ending created big material to think about every children as life story that is similar to your own lives for example Ahmed his father tried to make money is the way every possible because is the immigrant this was of one of the most beautiful films I have ever seen it also deserve best animated film for 2017 great movie a great quality and the poster a pretty belong girl this movie is awesome but suddenly the topics and PG-3 30 rating good movie my brother says hope this good series and beautiful amazing beautiful and sad touching
amazing movie. This animation was fabulous. It was unique and colorful. Definitely recommended. It was good. My dad said he was only to watch it for a couple of minutes, and that was after he was the end credits. While not as good as Mary and Max, My Life as a Zucchini is a real great film about overcoming dark part of life and good acting in the all language. Music and sound effect is average. Nice animation. I love this movie. Everything about it watchable is the bones of time, but is a needs a place warming and change absolutely breathtaking. Never been so happy. I am like an elephant in the water. There are a beautiful, clever, hope charming French film. Made me lunch my and cry. Definitely and but cool. Nice film. Good movie. Makes you approachment life. I have not watched the whole movie, but the being was not for kids. And beer of this man, drug of this gold, and I have every scene of this good performance of this very movie. साल 2016 में रिलीज़ हुई माय लाइफ एज ए जुसिनी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी गास्पार सलाटर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था माय लाइफ एज ए जुसिनी मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि माय लाइफ एज ए जुसिनी मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 6 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 6 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुप्त उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 7.7 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 19 अक्टूबर 2016 को स्विट्जरलैंड के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर क्लूड बारस थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं माय लाइफ एज ए जुसिनी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस 70 मिनट्स फ्रेंड्स कैलेमेशन इज आर्ट एंड वंस हार्ट ब्रेकिंग एंड गुड डार्क होप पुल मेजिकल एंड रियल्टिक इन इट इज शॉर्ट रन टाइम इट मैनज टू कंफर्टेबल सो मच अबाउट इट इज एंडरिंग एंड अदरवाइज करेक्टर दैट इट कैन ओनली बी कॉल्ड ए मास्टरफुल रिटर्न यूजफुल अपलिंग परफेक्ट वॉइस एक्ट एंड ब्यूटिफुल साउंड ट्रैक सिनेमाटिक गोल्ड बियॉन्ड ऑल दैट हैज द बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव प्रिपिसिंग एंडिंग दैट आई हैव एवरी एक्सप्रेशन विथ पोगनेंट एंड इंटेलिजेंट डायलॉग दैट लीव्स ए डीप इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द व्यू दैट इट इट सेल्फ शुड बी एग्जाम्पल रीजन फॉर इट टू बी स्टूपिड बाय द ऑल राइटर एंड क्रिएटर स्टोरी दिस इज नॉट चिल्ड्रन फिल्म इवन थ्रू आउट चिल्ड्रन वुड बेनिफिट सींग इट द टाइम्स ऑफ कवर्स एंड सो ओपनली डार्क वन ऑफ द सरप्राइज दैट आई जीनियस सरप्राइज बट बाई ए लॉट ऑफ द डायलॉग हाउ एयर इट ऑल कम्स together to create a moving and sincere tale of childhood and family. It is developed so well for such a short film. The humor was amazing too. The world is small all through. I do not think is need to very big character design to disconnect and really like the
ਡਾਰਕ ਓਪ ਔਨ ਦਾ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਆਰ ਰੇਡੀਕਲਸ ਐਂਡ ਮੈਡ ਦਾ ਫੈਮ ਫਨੀ ਦੇਰ ਵਾਜ ਏ ਗੁੱਡ ਇਸ ਪਲੇਸ ਓਪ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਟੇਲ ਔਨ ਦਾ ਟੀਨੀ ਸ਼ੇਡਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੋ ਇਸ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਾਜ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਆਲ ਦੈਟ ਨਿਡ ਟੂ ਬੀ ਆਈ ਵਾਚੇਬਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਂਡ ਵਿਥ ਸਬ ਟਾਈਟਲਸ ਐਂਡ ਦਾ ਵੋਇਸ ਕਾਸਟ ਵਾਜ ਆਲ ਵੈਰੀ ਅਪਰੋਚਨੈਂਟ ਫੋਰ ਦਾ ਰੈਕਸਪੈਕਟ ਰੋਲਸ ਓਪ ਦਿਸ ਆਈ ਐਮ ਪਾਸਡ ਦਿਸ ਲੋਸਟ ਓਪ ਓਸਕਰ ਓਪ ਦਿਸ ਗੁੱਡ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਵੈਰੀ ਫੈਨਟੈਸਟੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਕਿਡਸ ਦੈਟ ਮੂਵੀ ਦਾ ਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿਊਟ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਮਸਾਈਕਲ ਇਟ ਮੋਰ ਦੈਟ ਓਪ ਟੂ ਫੋਰ ਪਲੱਸ ਓਏ ਰੀਅਲੀ ਈਜ਼ਲੀ ਵਾਚ ਇਨਸਾਈਡ ਏ ਬ੍ਰਿਲੈਂਟ ਹਾਰਟ ਬਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਐਂਡਰਿੰਗ ਵਰਲਡ ਓਪ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੈਂਸਰ ਆਈ ਵਾਜ ਗਿਵਨ ਦਿਸ ਬਾਈ ਦਾ ਓਦਰ ਐਂਡ ਆਈ ਅਬਸੂਟਲੀ ਲਵ ਇਟ ਆਈ ਲਵ ਨਾਉ ਦਾ ਅਨੋਦਰ ਓਪ ਦਿਸ ਫੋਰ ਰੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਓਪ ਵਨ ਓਪ ਦਾ ਮੈਨ ਕਰੈਕਟਰ ਕਲਿਊਡ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅਬਾਊਟ ਕਲਿਊਡ ਕਲਾਸਮੈਟ ਵਿਕਟਰ ਪਿਮ ਐਂਡ ਵਾਈ ਟੀ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਲਵ ਹਾਊ ਦਾ ਅਦਰ ਇਨਕਰਪਟੇਡ ਇਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਬੁੱਕ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਰੀਡ ਬਟ ਇਟ ਆਲਸੋ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਬੁੱਕ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰ ਏ ਬੁੱਕ ਵਿਥ ਏ ਮੈਸੇਜ ਮਾਈ ਗੁੱਡ ਦਿਸ ਮੂਵੀ ਵਾਜ ਗੁੱਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਹੈਟ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਓਫ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਦਾ ਫੈਕਟ ਇਟ ਰੈਟ ਬੀ ਗਰਾਊਂਡ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇਟ ਐਮ ਸੈਲਵ ਨੋਟ ਵੈਰੀ ਅਪਰੋਰੈਟ ਥਿੰਗਸ ਬਟ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਵਾਜ ਅਮੇਜ਼ਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੈਰੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੀਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਨਕਿਊ ਥਰੋਟ ਦੇ ਕੁਲਡ ਹੈਵ ਰੈਟ ਦਾ ਮੂਵੀ ਐਂਡ 17 ਸਮਥਿੰਗ ਇਟ ਵਾਜ ਵੰਡਰਫੁੱਲ ਮੈਸੇਜ ਦੈਟ ਵਾਜ ਸੈਡ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਇਟ ਕੁਲਡ ਬੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਟ ਦੈਟ ਮੈਕਸ ਓਪ ਰੀਕਮਾਂਡੇਡ ਸਟੇਨਿੰਗ ਦਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਾਜ ਐਂਡ ਇਮਿਕਲੂਟ ਹੀ ਆਈਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਵਾਜ ਇਨਕ੍ਰੀਬਲ ਐਂਡ ਰੈਦਰ ਅਮਿਊਜ਼ਿੰਗ ਆਈ ਕਨਕਲੂਡ ਟੂ ਰੀਕਮਾਂਡੇਡ ਦੈਸ ਸਪਲਾਇੰਗ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਮੂਵੀ ਹੈਡ ਨੋਟ ਸੀਨ ਸੱਚ ਏ ਗੁੱਡ ਫਿਲਮ ਇਜ਼ ਸੋ ਲੋਂਗ ਦਾ ਫਿਲਮ ਇਜ਼ ਸੋ ਹਾਰਟ ਵਾਰਮਿੰਗ ਟੱਚਿੰਗ ਐਂਡ ਐਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਰ ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਯਟ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਓਪ ਦਾ ਪੈਟਨ ਟਿਕ ਨੋਟ ਦਾ ਮੈਨਸਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ ਜਸਟ ਐਵੇਸਨ ਵਾਟ ਆਈ ਐਨਜੋਏ ਮੋਸਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਮਾਸਟਰ ਪੀਸ ਓਪ ਏ ਫਿਲਮ ਵਾਜ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਜ ਨੋਟ ਆਫਰਿਡ ਟੂ ਡੀਲਿਵ ਡੀਪ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਗਰਿਕ ਸਟੋਰੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਐਨ ਇਨਸਾਈਟ ਫੁੱਲ ਲੁੱਕ ਓਪ ਐਟ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਹੂ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਅਡੋਪਟਿਡ ਬਾਈ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਿਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਰਡਸ ਵੈਲ ਐਜ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਸਟੋਪ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਹੈਵ ਐਵਰੀ ਸੀਨ ਮਾਈ ਵਨ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਫਿਲਮ ਦੈਟ ਬਰਾਊਟ ਟੀਅਰ ਓਪ ਮਾਈ ਆਈਜ਼ ਐਜ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਯੈਲੋ ਸਿਵਿਜ ਫਰੈਂਸ ਐਨੀਮੇਟਰ ਆਈ ਲਵ ਲਿਟ ਸਟੋਪ ਮੋਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਇਨੋਕੋਨਸ ਓਪ ਦਾ ਫੋਸਟਰ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇਅਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਂਡ ਸੋਪੀਅੰਗਰ ਵੋਇਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰੈਕਟਡ ਬਿਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਐਵਰੀ ਚਿਲਡਰਨ ਐਜ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਾਈਲਰ ਟੂ ਯੋਅਰ ਓਨ ਲਾਈਫ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਹਿਮਦ ਹਿਜ ਫਾਦਰ ਟ੍ਰਾਈਡ ਟੂ ਮੈਕ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇਰੀ every possible because is the immigrant this was of one of the most beautiful films I have ever seen it also deserves best animated film for 2017 great movie a great quality and the poster a pretty belong girl this movie is awesome but suddenly the topics and PG-13 rating good movie my brother says hope this good series and beautiful amazing beautiful and sad touching movie this animation was fabulous it was unique and colorful definitely recommended it was good my dad said he was only to watch it for a couple of minutes and that was after he was the end credits while not as good as Mary and Max my life as a Zucchini is a real great film about overcoming dark part of life and good acting in the all languages music and sound effect is average nice animation I love this movie everything about it watchable is the bones of time but is a needs a place warming and change absolutely breathtaking never been so happy I am like an elephant in the water there are a beautiful clever op charming friends film made me lunch my and cry definitely and but cool nice film good movie makes you approachment life I have not watched
वॉच द होल मूवी बट द बींग वॉज नॉट फॉर किड्स एंड बियर ऑफ दिस मैन ड्रग ऑफ दिस गुड एंड आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस वेरी मूवी। साल 2016 में रिलीज़ हुई माय लाइफ एज ए जुसिनी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी गास्पार सलाटर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था माय लाइफ एज ए जुसिनी मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि माय लाइफ एज ए जुसिनी मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज़ हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 6 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 6 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुप्त उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी आईएमडीबी की बात करें तो इसकी आईएमडीबी 10 में से 7.7 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 19 अक्टूबर 2016 को स्विट्जरलैंड के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर क्लूड बारस थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं माई लाइफ एज ए जुसिनी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस 70 मिनट्स फ्रेंड्स कैलेमेशन इज आर्ट एंड वंस हार्ट ब्रेकिंग एंड गुड डार्क होपफुल मेजिकल एंड रियल्टिक इन इट इज शॉर्ट रन टाइम इट मैनज टू कंफर्टेबल सो मच अबाउट इट इज एंडरिंग एंड अदरवाइज करेक्टर दैट इट कैन ओनली बी कॉल्ड ए मास्टरफुल रिटन यूजफुल अपलिंग परफेक्ट वॉइस एक्ट एंड ब्यूटिफुल साउंड ट्रैक सिनेमाटिक गोल्ड बियॉन्ड ऑल दैट हैज द बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव प्रिपेसिंग एंडिंग दैट आई हैव एवरी एक्सप्रेशन विथ पोगनेंट एंड इंटेलिजेंट डायलॉग दैट लिव्स ए डीप इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द व्यू दैट इट इट सेल्फ शुड बी एग्जाम्पल रीजन फॉर इट टू बी स्टूपिड बाई द ऑल राइटर एंड क्रिएटर स्टोरी दिस इज नॉट चिल्ड्रन फिल्म इवन थ्रू आउट चिल्ड्रन वुड बेनिफिट सींग इट द टाइम्स ऑफ कवर्स एंड सो ओपनली डार्क वन ऑफ द सरप्राइज दैट आई जीनियस सरप्राइज बार्ट बाई ए लॉट ऑफ द डायलॉग हाउ एयर इट ऑल कम्स टूगेदर टू क्रिएट ए मूविंग एंड सीन्स टेल ऑफ चाइल्डहुड एंड फैमिली इट इज डेवलप सो वेल फॉर सच ए शॉर्ट फिल्म द हूमर वॉज अमेजन टू द वर्ल्ड इज स्मॉल ऑल थ्रू द आई डो नॉट थिंक इज नीड टू वेरी बिग करेक्टर डिजाइन टू डिसकनेक्ट एंड रियली लाइक द वर्क ऑफ ऑन द आइज द व्हीकल आर रेडिकल्स एंड मैड द फनी देयर वॉज ए गुड स्प्लैश ऑफ वर्ल्ड एंड करेक्टर डिटेल ऑन द टीनी शेड्स द म्यूजिक सो इज वेरी ग्रेट एंड द साउंड डिजाइन वॉज वेरी गुड फॉर ऑल दैट नीड टू बी आई वॉचेबल दिस इज फ्रेंड्स एंड विथ सब टाइटल्स एंड द वॉइस कास्ट वॉज ऑल वेरी अप्रोचनेंट फॉर द रेस्पेक्ट रोल्स ऑफ दिस आई एम पासिड दिस लोस्ट ऑफ ऑस्कर ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी एंड गुड एंड किड्स दैट मूवी द क्लेमेशन इट इज क्यूट एंड विजन साइकिल इट मोर दैट ऑफ 2-4+ ओए रियली ईजली वॉच इन साइड ए ब्रिलियंट हार्ट ब्रेकिंग एंड एंडरिंग वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड कैंसर आई वॉज गिविन दिस बाई द ओदर एंड आई एब्सोल्युटली लव इट आई लव नाउ द अनोदर ऑफ दिस पोर रेपुटेशन ऑफ वन ऑफ द मैन करेक्टर क्लूड एंड ऑल्सो अबाउट क्लूड क्लासमेट विक्टर पिम एंड वाइटी आई एम ऑल्सो लव हाउ द अदर इनकरप्टेड इन लिटरेचर इन टू द बुक इट इज ग्रेट बुक
book if you want something to read, but it also a great book if you are looking for a book with a message. My good, this movie was good. There is some hat towards the style of the character and the fact it read background throughout it himself, not very appropriate things, but the storyline was amazing. The character very fighting and claymation is the uncute throat. They could have read the movie and 17 something. It was wonderful message that was sad and happy. It could be depression and some points, but that Max Op recommended stunning. The animation was and immaculate. He eyes expression in the world. The storyline was incredible and rather amusing. I conclude to recommended that Spelling animated movie. Had not seen such a good film is so long. The film is so heartwarming, touching and endearing. The characters are so complex yet so simple. The waiting of the pathetic note, the mansion technical so great, just everything. What I enjoy most about this masterpiece of a film was that it was not afraid to delve deep into the depressing and tragic story behind an insightful look at children in foster care who would like to be adopted by the right parents. This animation works well as the medium and good hope the disaster, the most beautiful stop motion picture I have every seen. My one animated film that brought tear of my eyes as expected from Yellow Civis France animator. I love it stop motion driving the inocons of the foster children, their feelings and soapy younger voice is the perfect ending character. Big material to think about every children as life story that is similar to your own lives. For example, Ahmed, his father tried to make money is the very every possible because is the immigrant. This was of one of the most beautiful films I have ever seen. It also deserves best animated film for 2017. Great movie, a great quality and the poster a pretty belong girl. This movie is awesome, but suddenly the topics and PG-13 rating. Good movie, my brother says. Hope this good series and beautiful, amazing, beautiful and sad touching movie. This animation was fabulous. It was uncute and colorful. Definitely recommended. It was good. My dad said he was only to watch it for a couple of minutes and that was after he was the end credits. While not as good as Mary and Max, My Life as a Zucchini is a real great film about overcoming dark part of life and good acting in the all languages. Music and sound effect in the average, nice animation. I love this movie. Everything about it watchable is the bones of time, but is a needs a place warming and change absolutely breathtaking. Never been so happy. I am like an elephant in the water. There are a beautiful, clever, hope charming French film made me lunch my and cry. Definitely and but cool, nice film. Good movie makes you approachment life. I have not watched the whole movie, but the being was not for kids and beer of this man drug of this good and I have every scene of this good performance of this very movie. साल 2016 में रिलीज हुई माय लाइफ एज ए जुसिनी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी गास्पार सलाटर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था माय लाइफ एज ए जुसिनी मूवी था जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि माय लाइफ एज ए जुसिनी मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 6 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 6 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर
लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 7.7 है और इस मूवी की रिलीज डेट 19 अक्टूबर 2016 को स्विट्जरलैंड के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर क्लूड बारस थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं माई लाइफ एज ए जुचिनी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस 70 मिनट्स फ्रेंड्स कैलेमेशन इज आर्ट एंड वंस हार्ट ब्रेकिंग एंड गुड डार्क होप पुल मेजिकल एंड रियल्टिक इन इट इज़ शॉर्ट रन टाइम इट मैनज टू कम्फर्टेबल सो मच अबाउट इट इज एंडरिंग एंड अदरवाइज करेक्टर दैट इट कैन ओनली बी कॉल्ड ए मास्टरफुल रिटर्न यूजफुल अपलिंग परफेक्ट वॉइस एक्ट एंड ब्यूटिफुल साउंड ट्रैक सिनेमाटिक गोल्ड बियॉन्ड ऑल दैट हैज़ द बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव प्रिपेसिंग एंडिंग दैट आई हैव एवरी एक्सप्रेशन विथ पोगनेंट एंड इंटेलिजेंट डायलॉग दैट लीव्स ए डीप इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द व्यू दैट इट इट सेल्फ शुड बी एग्जाम्पल रीजन फॉर इट टू बी स्टूपिड बाई द ऑल राइटर एंड क्रिएटर स्टोरी दिस इज नॉट चिल्ड्रन फिल्म इवन थ्रू आउट चिल्ड्रन वुड बेनिफिट सींग इट द टाइम्स ऑफ कवर्स एंड सो ओपनली डार्क वन ऑफ द सरप्रेस दैट आई जीनियस सरप्राइज बार्ट बाई ए लॉट ऑफ द डायलॉग हाउ एयर इट ऑल कम्स टूगेदर टू क्रिएट ए मूविंग एंड सीन्स टेल ऑफ चाइल्डहुड एंड फैमिली इट इज डेवलप सो वेल फॉर सच ए शॉर्ट फिल्म द ह्यूमर वॉज अमेजन टू द वर्ल्ड इज स्मॉल ऑल थ्रू द आई डो नॉट थिंक इज नीड टू वेरी बिग करेक्टर डिजाइन टू डिसकनेक्ट एंड रियली लाइक द वर्क ऑफ ऑन द आइज द व्हीकल आर रेडिकल्स एंड मैड द फैम फनी देर वॉज ए गुड स्प्लैश ऑफ वर्ल्ड एंड करेक्टर डिटेल ऑन द टीनी शेड्स द म्यूजिक सो इज वेरी ग्रेट एंड द साउंड डिजाइन वॉज वेरी गुड फॉर ऑल दैट नीड टू बी आई वॉचेबल दिस इज फ्रेंड्स एंड विथ सब टाइटल्स एंड द वॉइस कास्ट वॉज ऑल वेरी अप्रोचनेंट फॉर द रेस्पेक्ट रोल्स ऑफ दिस आई एम पासिड दिस लॉस्ट ऑफ ऑस्कर ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक एंड गुड एंड किड्स दैट मूवी द क्लेमेशन इट इज क्यूट एंड विजन साइकिल इट मोर दैट ऑफ 2-4+ ओ रियली ईजली वॉच इन साइड ए ब्रिलियंट हार्ट ब्रेकिंग एंड एंडरिंग वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड कैंसर आई वॉज गिविन दिस बाई द ओदर एंड आई एब्सोल्युटली लव इट आई लव नाउ द अनोदर ऑफ दिस पोर रेपुटेशन ऑफ वन ऑफ द मैन करेक्टर क्लूड एंड आल्सो अबाउट क्लूड क्लासमेट विक्टर पिम एंड वाइटी आई एम आल्सो लव हाउ द अदर इनकरप्टेड इन लिटरेचर इन टू द बुक इट इज ग्रेट बुक इफ यू वॉन्ट समथिंग टू रीड बट इट आल्सो ए ग्रेट बुक इफ यू आर लुकिंग फॉर ए बुक विथ ए मैसेज माई गुड दिस मूवी वॉज गुड देर इज सम हैट टूवर्ड्स द स्टाइल ऑफ द करेक्टर एंड द फैक्ट इट रेट बी ग्राउंड थ्रू आउट इट एम सेल्व नॉट वेरी अप्रोरेट थिंग्स बट द स्टोरी लाइन वॉज अमेजन द करेक्टर वेरी फाइटिंग एंड क्लेमेशन इज द एनक्यू थ्रोट दे कुल्ड हैव रेट द मूवी एंड 17 समथिंग इट वॉज वंडरफुल मैसेज दैट वॉज सैड एंड हैप्पी इट कुल्ड बी डिप्रेशन एंड सम पॉइंट्स बट दैट मैक्स ऑफ रिकमांडेड स्टेनिंग द एनिमेशन वॉज एंड इमिक्यूलेट ही आईज एक्सप्रेशन इन द वर्ल्ड द स्टोरी लाइन वॉज इनक्रेडिबल एंड रेदर अम्यूजिंग आई कंक्लूड टू रिकमांडेड दैट स्प्लाइंग एनिमेटेड मूवी हैड नॉट सीन सच ए गुड फिल्म इज सो लॉन्ग द फिल्म इज सो हार्ट वार्मिंग टचिंग एंड एंडरिंग द करैक्टर आर सो कंपलैक्स यट सो सिंपल द वेटिंग ऑफ द पैथेटिक नॉट द मैंशन टेक्निकल सो ग्रेट जस्ट एवेसन वॉट आई एंजॉय मोस्ट अबाउट दिस मास्टर पीस ऑफ ए फिल्म वॉज दैट इज वॉज नॉट अफ्रेड टू डिलीव डीप इन टू द डिप्रेसिंग एंड ट्रेगरिंग स्टोरी बिहाइंड एन इनसाइट फुल लुक ऑफ एट चिल्ड्रन इन फोस्टर केयर हु वुड लाइक टू बी अडोप्टेड बाई द राइट पेरेंट्स दि
this animation works well as the medium and good hope the disaster the most beautiful stop motion picture I have ever seen my one animated film that brought tear of my eyes as expected from yellow series friends animator I love it stop motion driving the inocons of the foster children their feelings and soapy younger voice is the perfect ending character big material to think about every children as life story that is smiler to your own lives for example Ahmed his father tried to make money is the way every possible because is the immigrant this was of one of the most beautiful films I have ever seen it also deserve best animated film for 2017 great movie a great great quality and the poster a pretty belong girl this movie is awesome but suddenly the topics and PG-13 rating good movie my brother says hope this good series and beautiful amazing beautiful and sad touching movie this animation was fabulous it was unique and colorful definitely recommended it was good my dad said he was only to watch it for a couple of minutes and that was after he was the end credits while not as good as Mary and Max my life as a zucchini is a real great film about overcoming dark part of life and good acting in the all languages music and sound effect is average nice animation I love this movie everything about it watchable is the bones of time but is a needs a place warming and change absolutely breathtaking never been so happy I am like an elephant in the water there are a beautiful clever of charming friends film made me lunch my and cry definitely and but cool nice film good movie makes you approachment life I have not watched the whole movie but the being was not for kids and beer of this man drug of this gold and I have every scene of this good performance of this very movie साल 2016 में रिलीज हुई माय लाइफ एज ए जुसिनी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी गास्पार सलाटर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था माय लाइफ एज ए जुसिनी मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि माय लाइफ एज ए जुसिनी मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 6 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 6 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुप्त उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.7 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 19 अक्टूबर 2016 को स्विट्जरलैंड के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर क्लूड बारस थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं माय लाइफ एज ए जुसिनी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस 70 मिनट्स फ्रेंड्स कैलेमेशन इज आर्ट एंड वंस हार्ट ब्रेकिंग एंड गुड डार्क होप फुल मेजिकल एंड रियल्टिक इन इट इज शॉर्ट रन टाइम इट मैनज टू कंफर्टेबल सो मच अबाउट इट इज एंडरिंग एंड अदरवाइज करेक्टर दैट इट कैन ओनली बी कॉल्ड ए मास्टरफुल रिटर्न यूजफुल अपलिंग परफेक्ट वॉइस एक्ट एंड ब्यूटिफुल साउंड ट्रैक सिनेमाटिक गोल्ड बियॉन्ड ऑल दैट हैज द बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव प्रिपेसिंग एंडिंग दैट आई हैव एवरी एक्सप्रेशन विथ
पोगनेंट एंड इंटेलिजेंट डायलॉग दैट लीव्स ए डीप इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द व्यू दैट इट इट सेल्फ शुड बी एग्जाम्पल रीजन फॉर इट टू बी स्टूपिड बाई द ऑल राइटर एंड क्रिएटर स्टोरी दिस इज नॉट चिल्ड्रन फिल्म इवन थ्रू आउट चिल्ड्रन वुड बेनिफिट सीइंग इट द टाइम्स ऑफ कवर्स एंड सो ओपनली डार्क वन ऑफ द सरप्राइज दैट आई जीनियस सरप्राइज बट बाई ए लॉट ऑफ द डायलॉग हाउ एयर इट ऑल कम्स टूगेदर टू क्रिएट ए मूविंग एंड सीन्स टेल ऑफ चाइल्डहुड एंड फैमिली इट इज डेवलप सो वेल फॉर सच ए शॉर्ट फिल्म द ह्यूमर वॉज अमेजन टू द वर्ल्ड इज स्मॉल ऑल थ्रू द आई डू नॉट थिंक इज नीड टू वेरी बिग करैक्टर डिजाइन टू डिसकनेक्ट एंड रियली लाइक द वर्क ऑफ ऑन द आइज द व्हीकल आर रेडिकल्स एंड मैड द फैम फनी देर वॉज ए गुड स्प्लैश ऑफ वर्ल्ड एंड करैक्टर डिटेल ऑन द टीनी शेड्स द म्यूजिक सो इज वेरी ग्रेट एंड द साउंड डिजाइन वॉज वेरी गुड फॉर ऑल दैट नीड टू बी आई वॉचेबल दिस इज फ्रेंच एंड विथ सब टाइटल्स एंड द वॉइस कास्ट वॉज ऑल वेरी अप्रोचनेंट फॉर द रेस्पेक्ट रोल्स ऑफ दिस आई एम पासिड दिस लॉस्ट ऑफ ऑस्कर ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी एंड गुड एंड किड्स दैट मूवी द क्लेमेशन इट इज क्यूट एंड विजिमसाइकल इट मोर दैट ऑफ टू फोर प्लस ओए रियली ईजली वॉच इन साइड ए ब्रिलियंट हार्ट ब्रेकिंग एंड एंडरिंग वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड कैंसर आई वॉज गिविन दिस बाई द ओदर एंड आई एब्सोल्युटली लव इट आई लव नाउ द अनोदर ऑफ दिस फोर रेपुटेशन ऑफ वन ऑफ द मैन करैक्टर क्लूड एंड आल्सो अबाउट क्लूड क्लासमेट विक्टर पिम एंड वाइटी आई एम आल्सो लव हाउ द अदर इनकरप्टेड इन लिटरेचर इन टू द बुक इट इज ग्रेट बुक इफ यू वॉन्ट समथिंग टू रीड बट इट आल्सो ए ग्रेट बुक इफ यू आर लुकिंग फॉर ए बुक विथ ए मैसेज माई गुड दिस मूवी वॉज गुड देर इज सम हैट टूवर्ड्स द स्टाइल ऑफ द करैक्टर एंड द फैक्ट इट रेट बी ग्राउंड थ्रू आउट इट एम सेल्व नॉट वेरी अप्रोप्रिएट थिंग्स बट द स्टोरी लाइन वॉज अमेजन द करैक्टर वेरी फाइटिंग एंड क्लाइमेक्स इज द एनक्यू थ्रोट दे कुड हैव रेट द मूवी एंड 17 समथिंग इट वॉज वंडरफुल मैसेज दैट वॉज सैड एंड हैप्पी इट कुड बी डिप्रेशन एंड सम पॉइंट्स बट दैट मैक्स ऑफ रिकमांडेड स्टेनिंग द एनिमेशन वॉज एंड इमिक्यूलेट ही आईज एक्सप्रेशन इन द वर्ल्ड द स्टोरी लाइन वॉज इनक्रेडिबल एंड रेदर अम्यूजिंग आई कंक्लूड टू रिकमांडेड दैट स्प्लाइंग एनिमेटेड मूवी हैड नॉट सीन सच ए गुड फिल्म इज सो लॉन्ग द फिल्म इज सो हार्ट वार्मिंग टचिंग एंड एंडरिंग द करैक्टर आर सो कंपलैक्स येट सो सिंपल द वेटिंग ऑफ द पैथेटिक नॉट द मैंशन टेक्निकल सो ग्रेट जस्ट एवेसन वॉट आई एंजॉय मोस्ट अबाउट दिस मास्टर पीस ऑफ ए फिल्म वॉज दैट इज वॉज नॉट अफ्रेड टू डिलीव डीप इन टू द डिप्रेसिंग एंड ट्रेगरिंग स्टोरी बिहाइंड एन इनसाइट फुल लुक ऑफ एट चिल्ड्रन इन फोस्टर केयर हु वुड लाइक टू बी अडोप्टेड बाई द राइट पेरेंट्स दिस एनिमेशन वर्ड्स वेल एज द मीडियम एंड गुड होप द डिजास्टर द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टॉप मोशन पिक्चर आई Have every seen my one animated film that brought tear of my eyes as expected from yellow series friends animator I lovely stop motion driving the inocons of the foster children their feelings and soapy younger voice is the perfect ending corrected big material to think about every children as life story that is similar to your own lives for example Ahmed his father tried to make money is the way every possible because is the immigrant this was of one of the most beautiful films I have ever seen it also deserve best animated film for 2017 great movie a great quality and the poster a pretty belong girl this movie is awesome but suddenly the topics and PG-3 30 rating good movie my brother says hope this good series and beautiful amazing beautiful and sad touching
amazing movie. This animation was fabulous. It was unique and colorful. Definitely recommended. It was good. My dad said he was only to watch it for a couple of minutes, and that was after he watched the end credits. While not as good as Mary and Max, My Life as a Zucchini is a real great film about overcoming dark part of life and good acting in the all language. Music and sound effect is average. Nice animation. I love this movie. Everything about it watchable is the bones of time, but is a needs a place warming and change absolutely breathtaking. Never been so happy. I am like an elephant in the water. There are a beautiful, clever, hope, charming French film. Made me lunch my and cry. Definitely and but cool. Nice film. Good movie. Makes you approachment life. I have not watched the whole movie, but the being was not for kids. And beer of this man, drug of this gold, and I have every scene of this good performance of this very movie. साल 2016 में रिलीज हुई माई लाइफ एज ए जुसिनी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी गास्पार सलाटर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था माई लाइफ एज ए जुसिनी मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि माई लाइफ एज ए जुसिनी मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 6 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 6 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.7 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 19 अक्टूबर 2016 को स्विट्जरलैंड के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर क्लूड बारस थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं माई लाइफ एज ए जुसिनी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस 70 मिनट्स फ्रेंड्स कैलेमेशन इज आर्ट एंड वंस हार्ट ब्रेकिंग एंड गुड डार्क होपफुल मेजिकल एंड रियल्टिक इन इट इज शॉर्ट रन टाइम इट मैनज टू कंफर्टेबल सो मच अबाउट इट इज एंडरिंग एंड अदरवाइज करेक्टर दैट इट कैन ओनली बी कॉल्ड ए मास्टरफुल रिटर्न यूजफुल अपलिंग परफेक्ट वॉइस एक्ट एंड ब्यूटिफुल साउंड ट्रैक सिनेमाटिक गोल्ड बियॉन्ड ऑल दैट हैज द बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव प्रिपिसिंग एंडिंग दैट आई हैव एवरी एक्सप्रेशन with poignant and intelligent dialogue that leaves a deep emotional impact on the viewer that it itself should be an example reason for it to be stupid by the all writer and creator story but this is not children film even throughout children would benefit seeing it the times of covers and so openly dark one of the surprise that I genius surprise bought by a lot of the dialogue how it all comes together to create a moving and sincere tale of childhood and family. It is developed so well for such a short film. The humor was amazing too. The world is small all through. The I do not think is need to very big character design to disconnect and really like the work of on the eyes. The vehicle are ridiculous and it made the film funny. There was a good splash of world and character detail on the teeny shades.
द म्यूजिक चॉइस वेरी ग्रेट एंड द साउंड डिजाइन वॉज वेरी गुड फॉर ऑल दैट नीड टू बी आई वॉचेबल दिस इज फ्रेंच एंड विथ सब टाइटल्स एंड द वॉइस कास्ट वॉज ऑल वेरी अप्रोचनेंट फॉर द रेस्पेक्ट रोल्स ऑफ दिस आई एम पासिड दिस लॉस्ट ऑफ ऑस्कर ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक एंड गुड एंड किड्स दैट मूवी द क्लेमेशन इट इज क्यूट एंड विजन साइकिल इट मोर दैट ऑफ टू फोर प्लस ओ रियली ईजली वॉच इन साइड ए ब्रिलियंट हार्ट ब्रेकिंग एंड एंडरिंग वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड कैंसर आई वॉज गिविन दिस बाय द ओदर एंड आई एब्सोल्युटली लव इट आई लव नाउ द अनोदर ऑफ दिस पोर रेपुटेशन ऑफ वन ऑफ द मैन करैक्टर क्लूड एंड ऑल्सो अबाउट क्लूड क्लासमेट विक्टर पिम एंड वाइटी आई एम ऑल्सो लव हाउ द अदर इनकरप्टेड इन लिटरेचर इन टू द बुक इट इज ग्रेट बुक इफ यू वॉन्ट समथिंग टू रीड बट इट ऑल्सो ए ग्रेट बुक इफ यू आर लुकिंग फॉर ए बुक विथ ए मैसेज माई गुड दिस मूवी वॉज गुड देर इज सम हैट टूवर्ड्स द स्टाइल ऑफ द करैक्टर एंड द फैक्ट इट रेट बी ग्राउंड थ्रू आउट इट एम सेल्व नॉट वेरी अप्रोप्रिएट थिंग्स बट द स्टोरी लाइन वॉज अमेजन द करैक्टर वेरी फाइटिंग एंड क्लेमेशन इज द एनक्यू थ्रोट दे कुड हैव रेट द मूवी एंड 17 समथिंग इट वॉज वंडरफुल मैसेज दैट वॉज सैड एंड हैप्पी इट कुड बी डिप्रेशन एंड सम पॉइंट्स बट दैट मैक्स ऑफ रिकमांडेड स्टेनिंग द एनिमेशन वॉज एंड इमिक्यूलेट ही आईज एक्सप्रेशन इन द वर्ल्ड द स्टोरी लाइन वॉज इनक्रेडिबल एंड रेदर अम्यूजिंग आई कंक्लूड टू रिकमांडेड दैट स्प्लाइंग एनिमेटेड मूवी हैड नॉट सीन सच ए गुड फिल्म इज सो लॉन्ग द फिल्म इज सो हार्ट वार्मिंग टचिंग एंड एंडरिंग द करैक्टर आर सो कंप्लैक्स येट सो सिंपल द वेटिंग ऑफ द पैथेटिक नोट द मैंशन टेक्निकल सो ग्रेट जस्ट एवेसन वॉट आई एंजॉय मोस्ट अबाउट दिस मास्टर पीस ऑफ ए फिल्म वॉज दैट इज वॉज नॉट अफ्रेड टू डिलीव डीप इन टू द डिप्रेसिंग एंड ट्रेगरिंग स्टोरी बिहाइंड एन इनसाइटफुल लुक ऑफ एट चिल्ड्रन इन फोस्टर केयर हु वुड लाइक टू बी अडोप्टेड बाई द राइट पेरेंट्स दिस एनिमेशन वर्ड्स वेल एज द मीडियम एंड गुड होप द डिजास्टर द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टॉप मोशन पिक्चर आई Have every seen my one animated film that brought tear of my eyes as expected from yellow civis friends animator I lovely to stop motion driving the inocons of the foster children their feelings and soapy younger voice is the perfect ending corrected big material to think about every children as life story that is similar to your own lives for example Ahmed his father tried to make money is the very every possible because is the immigrant this was of one of the most beautiful films I have ever seen it also deserve best animated film for 2017 great movie a great quality and the poster a pretty belong girl this movie is awesome but suddenly the topics and PG-13 rating good movie my brother says hope this good series and beautiful amazing beautiful and sad touching movie this animation was fabulous it was unique and colorful definitely recommended it was good my dad said he was only to watch it for a couple of minutes and that was after he was the end credits while not as good as Mary and Max my life as a zucchini is a real great film about overcoming dark part of life and good acting in the all languages music and sound effect in the average nice animation I love this movie everything about it watchable is the bones of time but is a needs a place warming and change absolutely breathtaking never been so happy I am like an elephant in the water there are a beautiful clever of charming friends film made me lunch my and cry definitely and but cool nice film good movie makes you approachment life I have not watched the whole movie but the being was not for kids and beer of this man drug of this gold and I have every scene of this good performance of this very movie
साल 2016 में रिलीज़ हुई माई लाइफ एज ए जुसिनी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी गास्पार स्लॉटर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था माई लाइफ एज ए जुसिनी मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि माई लाइफ एज ए जुसिनी मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 6 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 6 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुप्त उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 7.7 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 19 अक्टूबर 2016 को स्विट्जरलैंड के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर क्लूड बारस थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं माई लाइफ एज ए जुसिनी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस 70 मिनट्स फ्रेंड्स कैलेमेशन इज आर्ट एंड वंस हार्ट ब्रेकिंग एंड गुड डार्क होप फुल मेजिकल एंड रियल्टिक इन इट इज शॉर्ट रन टाइम इट मैनज टू कंफर्टेबल सो मच अबाउट इट इज एंडरिंग एंड अदरवाइज करेक्टर दैट इट कैन ओनली बी कॉल्ड ए मास्टरफुल रिटन यूजफुल अपलिंग परफेक्ट वॉइस एक्ट एंड ब्यूटिफुल साउंड ट्रैक सिनेमाटिक गोल्ड बियॉन्ड ऑल दैट हैज द बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव प्रिपेसिंग एंडिंग दैट आई हैव एवरी एक्सप्रेशन विथ पोगनेंट एंड इंटेलिजेंट डायलॉग दैट लिव्स ए डीप इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द व्यू दैट इट सेल्फ शुड बी एग्जाम्पल रीजन फॉर इट टू बी स्टूपिड बाई द ऑल राइटर एंड क्रिएटर स्टोरी दिस इज नॉट चिल्ड्रन फिल्म इवन थ्रू आउट चिल्ड्रन वुड बेनिफिट सींग इट द टाइम्स ऑफ कवर्स एंड सो ओपनली डार्क वन ऑफ द सरप्राइज दैट आई जीनियस सरप्राइज बार्ट बाई ए लॉट ऑफ द डायलॉग हाउ एयर इट ऑल कम्स टूगेदर टू क्रिएट ए मूविंग एंड सीन्स टेल ऑफ चाइल्डहुड एंड फैमिली इट इज डेवलप सो वेल फॉर सच ए शॉर्ट फिल्म द हूमर वॉज अमेजन टू द वर्ल्ड इज स्मॉल ऑल थ्रू द आई डो नॉट थिंक इज नीड टू वेरी बिग करेक्टर डिजाइन टू डिसकनेक्ट एंड रियली लाइक द वर्क ऑफ ऑन द आइज द व्हीकल आर रेडिकल्स एंड मैड द फैम फनी देर वॉज ए गुड स्प्लैश ऑफ वर्ल्ड एंड करेक्टर डिटेल ऑन द टीनी शेड्स द म्यूजिक सो इज वेरी ग्रेट एंड द साउंड डिजाइन वॉज वेरी गुड फॉर ऑल दैट नीड टू बी आई वॉचेबल दिस इज फ्रेंड्स एंड विथ सब टाइटल्स एंड द वॉइस कास्ट वॉज ऑल वेरी अप्रोजनेंट फॉर द रेस्पेक्ट रोल्स ऑफ दिस आई एम पासिड दिस लोस्ट ऑफ ऑस्कर ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी एंड गुड एंड किड्स दैट मूवी द क्लेमेशन इट इज क्यूट एंड विजिमसाइकल इट मोर दैट ऑफ 2-4+ ओए रियली ईजली वॉच इन साइड ए ब्रिलियंट हार्ट ब्रेकिंग एंड एंडरिंग वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड कैंसर आई वॉज गिविन दिस बाई द ओदर एंड आई एब्सोल्युटली लव इट आई लव नाउ द अनोदर ऑफ दिस पोर रेपुटेशन ऑफ वन ऑफ द मैन करेक्टर क्लूड एंड ऑल्सो अबाउट क्लूड क्लासमेट विक्टर पिम एंड वाइटी आई एम ऑल्सो लव हाउ द अदर इनकरप्टेड इन लिटरेचर इन टू द बुक इट इज ग्रेट बुक इफ यू वॉन्ट समथिंग टू रीड बट इट ऑल्सो ए ग्रेट बुक इफ यू आर लुकिंग फॉर ए बुक विथ ए मैसेज माई गुड दिस मूवी वॉज गुड देर इज सम हैट टूवर्ड्स द स्टाइल ऑफ द करेक्टर एंड द फैक्ट इट रेट बी ग्राउंड थ्रू आउट इट आई एम सेल्फ नॉट वेरी अप्रोप्रिएट थिंग्स बट द स्टोरी लाइन वॉज अमेजन द करेक्टर वेरी फाइटिंग एंड क्लेमेशन इज द अनक्यू थ्रोट दे कुड हैव रेट द मूवी एंड 70
17 something it was wonderful message that was sad and happy it could be depression and some points but that Max Ophir recommended standing the animation was and immaculate his eyes expression in the world the storyline was incredible and rather amusing I conclude to recommended that Spelling animated movie had not seen such a good film is so long the film is so heartwarming touching and endearing the character are so complex yet so simple the waiting of the pathetic note the mansion technical so great just awesome what I enjoy most about this masterpiece of a film was that it was not afraid to delve deep into the depressing and triggering story behind an insightful look at children in foster care who would like to be adopted by the right parents this animation works well as the medium and good hope the disaster the most beautiful stop motion picture I have every seen my one animated film that brought tear of my eyes as expected from yellow series friends animator I lovely stop motion driving the innocence of the foster children their feelings and soapy younger voice is the perfect ending created big material to think about every children as life story that is similar to your own lives for example Ahmed his father tried to make money is the very every possible because is the immigrant this was of one of the most beautiful films I have ever seen it also deserve best animated film for 2017 great movie a great quality and the poster a pretty belong girl this movie is awesome but suddenly the topics and PG-3 30 rating good movie my brother says of this good series and beautiful amazing beautiful and sad touching movie this animation was fabulous it was unique and colorful definitely recommended it was good my dad said he was only to watch it for a couple of minutes and that was after he was the end credits while not as good as Mary and Max my life as a zucchini is a real great film about overcoming dark part of life and good acting in the all languages music and sound effect is average nice animation I love this movie everything about it watchable is the bones of time but is a needs a place warming and change absolutely breathtaking never been so happy I am like an elephant in the water there are a beautiful clever of charming friends film made me lunch my and cry definitely and but cool nice film good movie makes you approachment life I have not watched the whole movie but the being was not for kids and beer of this man drug of this gold and I have every scene of this good performance of this very movie साल 2016 में रिलीज हुई माई लाइफ एज ए जुसिनी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी गास्पार सलाटर के कैरियर की जी हाँ इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था माई लाइफ एज ए जुसिनी मूवी था जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि माई लाइफ एज ए जुसिनी मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 6 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 6 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुप्त उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक
किया। वह इसकी आईएमडीबी की बात करें तो इसकी आईएमडीबी 10 में से 7.7 है और इस मूवी की रिलीज डेट 19 अक्टूबर 2016 को स्विट्जरलैंड के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर क्लूड बारस थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं माई लाइफ एज ए जुचिनी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस 70 मिनट्स फ्रेंड्स कैलेमेशन इज आर्ट एंड वंस हार्ट ब्रेकिंग एंड गुड डार्क होप फुल मेजिकल एंड रियल्टिक इन इट इज शॉर्ट रन टाइम इट मैनज टू कंफर्टेबल सो मच अबाउट इट इज एंडरिंग एंड अदरवाइज करेक्टर दैट इट कैन ओनली बी कॉल्ड ए मास्टरफुल रिटर्न यूजफुल अपलिंग परफेक्ट वॉइस एक्ट एंड ब्यूटिफुल साउंड ट्रैक सिनेमाटिक गोल्ड बियॉन्ड ऑल दैट हैज द बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव प्रिपेसिंग एंडिंग दैट आई हैव एवरी एक्सप्रेशन विथ पोगनेंट एंड इंटेलिजेंट डायलॉग दैट लीव्स ए डीप इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द व्यू दैट इट इट सेल्फ शुड बी एग्जाम्पल रीजन फॉर इट टू बी स्टूपिड बाई द ऑल राइटर एंड क्रिएटर स्टोरी दिस इज नॉट चिल्ड्रन फिल्म इवन थ्रू आउट चिल्ड्रन वुड बेनिफिट सीइंग इट द टाइम्स ऑफ कवर्स एंड सो ओपनली डार्क वन ऑफ द सरप्राइज दैट आई जीनियस सरप्राइज बट बाई ए लॉट ऑफ द डायलॉग हाउ एयर इट ऑल कम्स टूगेदर टू क्रिएट ए मूविंग एंड सीन्स टेल ऑफ चाइल्डहुड एंड फैमिली इट इज डेवलप सो वेल फॉर सच ए शॉर्ट फिल्म द ह्यूमर वॉज अमेजन टू द वर्ल्ड इज स्मॉल ऑल थ्रू द आई डो नॉट थिंक इज नीड टू वेरी बिग करैक्टर डिजाइन टू डिसकनेक्ट एंड रियली लाइक द वर्क ऑफ ऑन द आइज द व्हीकल आर रेडिकल्स एंड मैड द फनी देयर वॉज ए गुड स्प्लैश ऑफ वर्ल्ड एंड करैक्टर डिटेल ऑन द टीनी शेड्स द म्यूजिक सो इज वेरी ग्रेट एंड द साउंड डिजाइन वॉज वेरी गुड फॉर ऑल दैट नीड टू बी आई वॉचेबल दिस इज फ्रेंड्स एंड विथ सब टाइटल्स एंड द वॉइस कास्ट वॉज ऑल वेरी अप्रोचनेंट फॉर द रेस्पेक्ट रोल्स ऑफ दिस आई एम पासिड दिस लॉस्ट ऑफ ऑस्कर ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक एंड गुड एंड किड्स दैट मूवी द क्लेमेशन इट इज क्यूट एंड विजिमसाइकल इट मोर दैट ऑफ 2-4+ और रियली ईजली वॉच इन साइड ए ब्रिलियंट हार्ट ब्रेकिंग एंड एंडरिंग वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड कैंसर आई वॉज गिविन दिस बाई द ओदर एंड आई एब्सोल्युटली लव इट आई लव नाउ द अनोदर ऑफ दिस पोर रेपुटेशन ऑफ वन ऑफ द मैन करैक्टर क्लूड एंड आल्सो अबाउट क्लूड क्लासमेट विक्टर पिम एंड वाइटी आई एम आल्सो लव हाउ द अदर इनकरप्टेड इन लिटरेचर इन टू द बुक इट इज ग्रेट बुक इफ यू वॉन्ट समथिंग टू रीड बट इट आल्सो ए ग्रेट बुक इफ यू आर लुकिंग फॉर ए बुक विथ ए मैसेज माई गुड दिस मूवी वॉज गुड देर इज सम हैट टूवर्ड्स द स्टाइल ऑफ द करैक्टर एंड द फैक्ट इट रेट बी ग्राउंड थ्रू आउट इट एम सेल्व नॉट वेरी अप्रोप्रिएट थिंग्स बट द स्टोरी लाइन वॉज अमेजन द करैक्टर वेरी फाइटिंग एंड क्लेमेशन इज द एनक्यू थ्रोट दे कुड हैव रेट द मूवी एंड 17 समथिंग इट वॉज वंडरफुल मैसेज दैट वॉज सैड एंड हैप्पी इट कुड बी डिप्रेशन एंड सम पॉइंट्स बट दैट मैक्स ऑफ रिकमांडेड स्टेनिंग द एनिमेशन वॉज एंड इमिक्यूलेट ही आईज एक्सप्रेशन इन द वर्ल्ड द स्टोरी लाइन वॉज इनक्रेडिबल एंड रेदर अम्यूजिंग आई कंक्लूड टू रिकमांडेड दैट स्प्लाइंग एनिमेटेड मूवी हैड नॉट सीन सच ए गुड फिल्म इज सो लॉन्ग द फिल्म इज सो हार्ट वार्मिंग टचिंग एंड एंडरिंग द करैक्टर आर सो कंप्लेक्स येट सो सिंपल द वेटिंग ऑफ द पैथेटिक नॉट द मैंशन टेक्निकल सो ग्रेट जस्ट एवेसन वॉट आई एंजॉय मोस्ट अबाउट दिस मास्टर पीस ऑफ ए फिल्म वॉज दैट इज वॉज नॉट अफ्रेड टू डिलीव डीप इन टू द डिप्रेसिंग एंड ट्रेगरिंग स्टोरी बिहाइंड एन इनसाइट फुल लुक ऑफ एट चिल्ड्रन इन फोस्टर केयर हु वुड लाइक टू बी अडोप्टेड बाई द राइट पेरेंट्स दिस एनिमेशन वर्ड्स वेल एज द मीडियम एंड गुड होप द डिजास्टर द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टॉप मोशन पिक्चर आई
हैव एवरी सीन माई वन एनिमेटेड फिल्म दैट ब्राउट टीयर ऑफ माई आईज एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम येलो सिविज फ्रेंड्स एनिमेटर आई लवली टी स्टॉप मोशन ड्राइविंग द इनोकॉन्स ऑफ द फोस्टर चिल्ड्रन देयर फीलिंग्स एंड सोपी अंगर वॉइस इज द परफेक्ट एंडिंग करेक्टेड बिग मैटेरियल टू थिंक अबाउट एवरी चिल्ड्रन एज लाइफ स्टोरी दैट इज माइलर टू योर ऑन लाइव फॉर एग्जाम्पल अहमद हिज फादर ट्राइड टू मैक मनी इज द वेरी एवरी पॉसिबल बिकॉज इज द इमिग्रेंट दिस वॉज ऑफ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फिल्म आई हैव एवरी सीन इट आल्सो डिसर्वे बेस्ट एनिमेटेड फिल्म फॉर 2017 ग्रेट मूवी ए ग्रेट एक्टिंग एंड द पोस्टर ए प्रीति बिलोंग गर्ल दिस मूवी इज अवेसम बट सडनली द टॉपिक्स एंड पीजी 13 रेटिंग गुड मूवी माई ब्रोदर सेज ऑफ दिस गुड सीरीज एंड ब्यूटिफुल अमेजन ब्यूटिफुल एंड सैड टचिंग मूवी दिस एनिमेशन वॉज फेबुलस इट वॉज अनक्यू एंड कलरफुल डेफिनेटली रिकमांडेड इट वॉज गुड माई डैड सैड ही वॉज ओनली टू वॉच इट फॉर ए कपल ऑफ मिनट एंड दैट वॉज आफ्टर ही वॉज द एंड क्रेडिट्स वाइल नॉट ए गज गुड एड मेरी एंड मैक्स माई लाइफ एज ए जुचिनी इज ए रियल ग्रेट फिल्म अबाउट अवर कमिंग डार्क पार्ट ऑफ लाइफ एंड गुड एक्टिंग इन द ऑल लैंग्वेज म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट इज एवरेज नाइस एनिमेशन आई लव दिस मूवी एवरीथिंग अबाउट इट वॉचेबल इज द बुन्स ऑफ टाइम बट इज अ नीड्स ए फ्लेश वार्मिंग एंड चेंज अब्सोल्युटली ब्रेक टेकिंग नेवर बीन सो हैप्पी आई एम लाइक एन एलिफेंट इन द वाटर देर आर ए ब्यूटिफुल क्लेवर ऑफ चार्मिंग फ्रेंच फिल्म मैड मी लंच माई एंड क्राई डेफिनेटली एंड बट कोल नाइस फिल्म गुड मूवी मेक्स यू अप्रोचमेंट लाइफ आई हैव नॉट वॉच द होल मूवी बट द बींग वॉज नॉट फॉर किड्स एंड बियर ऑफ दिस मैन ड्रग ऑफ दिस गुड एंड आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस वेरी मूवी साल 2016 में रिलीज हुई माई लाइफ एज ए जुचिनी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी गास्पार सलाटर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था माई लाइफ एज ए जुचिनी मूवी था जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि माई लाइफ एज ए जुचिनी मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 6 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 6 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुप्त उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.7 है और इस मूवी की रिलीज डेट 19 अक्टूबर 2016 को स्विट्जरलैंड के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर क्लूड बारस थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं माई लाइफ एज ए जुचिनी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस 70 मिनट्स फ्रेंड्स कैलेमेशन इज आर्ट एंड वंस हार्ट ब्रेकिंग एंड गुड डार्क होपफुल मैजिकल एंड रियल्टिक इन इट इज शॉर्ट रन टाइम इट मैनज टू कंफर्टेबल सो मच अबाउट इट इज एंडरिंग एंड अदरवाइज करेक्टर दैट इट कैन ओनली बी कॉल्ड ए मास्टरफुल रिटन यूजफुल अपलिंग परफेक्ट वॉइस एक्ट एंड ब्यूटिफुल साउंड ट्रैक सिनेमाटिक गोल्ड बियॉन्ड ऑल दैट हैज द बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव प्रिपिसिंग एंडिंग दैट आई हैव एवरी एक्सप्रेशन विथ
poignant and intelligent dialogue that leaves a deep emotional impact on the viewer that it itself should be an example reason for it to be stupid by the all writer and creator. Story, this is not children film, even throughout children would benefit seeing it. The times of covers and so openly dark, one of the surprise that I genius surprise bought by a lot of the dialogue, how it all comes together to create a moving and sincere tale of childhood and family. It is developed so well for such a short film. The humor was amazing too. The world is small all through. The, I do not think is need to very big character design to disconnect and really like the work of on the eyes. The vehicle are ridiculous and it made the company. There was a good splash of world and character detail on the teeny shades. The music so is very great and the sound design was very good for all that need to be eye watchable. This is French and with subtitles and the voice cast was all very appropriate for the respect roles of this. I am passed this lost of Oscar of this good thing about very fantastic and good and kids that movie. The claymation it is cute and vision cycle it more that of 2-4 plus or really easily was inside a brilliant heartbreaking and enduring world of childhood cancer. I was given this by the other and I absolutely love it. I love now the another of this poor reputation of one of the main character Clued and also about Clued classmate Victor Pym and YT. I am also love how the other incorporated in literature into the book. It is great book if you want something to read, but it also a great book if you are looking for a book with a message. My good, this movie was good. There is some hat towards the style of the character and the fact it read background throughout. It am self not very appropriate things, but the storyline was amazing. The character very fighting and claymation is the uncute throat. They could have read the movie and 17 something. It was wonderful message that was sad and happy. It could be depression and some points, but that max of recommended standing. The animation was and immaculate. His eyes expression in the world. The storyline was incredible and rather amusing. I conclude to recommended that Spelling animated movie. Had not seen such a good film. Is so long. The film is so heartwarming, touching and enduring. The character are so complex yet so simple. The waiting of the pathetic note. The mansion technical so great. Just awesome. What I enjoy most about this masterpiece of a film was that it was not afraid to delve deep into the depressing and tragic story behind an insightful look at children in foster care who would like to be adopted by the right parents. This animation works well as the medium and good hope the disaster, the most beautiful stop motion picture I have ever seen. My one animated film that brought tear of my eyes as expected from Yellow Civis France animator. I love it stop motion driving the inocons of the foster children, their feelings and soap younger voice is the perfect ending character big material to think about every children as life story that is similar to your own lives. For example, Ahmed, his father tried to make money is the way every possible because is the immigrant. This was of one of the most beautiful films I have ever seen. It also deserve best animated film for 2017. Great movie, a great quality and the poster a pretty belong girl. This movie is awesome, but suddenly the topics and PG-13 rating. Good movie, my brother says. Hope this good series and beautiful, amazing, beautiful and sad, touching
अमेजिंग मूवी, दिस एनिमेशन वाज फेबुलस, इट वाज एनक्यू एंड कलरफुल, डेफिनेटली रिकमेंडेड, इट वाज गुड, माय डैड सेड ही वाज ओनली टू वाच इट फॉर ए कपल ऑफ मिनट एंड दैट वाज आफ्टर ही वाज द एंड क्रेडिट्स, व्हाइल नॉट ए गज गुड एड मेरी एंड मैक्स माई लाइफ एज ए जुचिनी इज ए रियल ग्रेट फिल्म अबाउट अवर कमिंग डार्क पार्ट ऑफ लाइफ एंड गुड एक्टिंग इन द ऑल लैंग्वेज, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट इज एवरेज, नाइस एनिमेशन, आई लव दिस मूवी, एवरीथिंग अबाउट इट वॉचेबल इज द बुंस ऑफ टाइम बट इज नीड्स ए फ्लेस वार्मिंग एंड चेंज अब्सोल्युटली ब्रेक टेकिंग, नेवर बीन सो हैप्पी, आई एम लाइक एन एलिफेंट इन द वाटर, देर आर ए ब्यूटिफुल क्लेवर ऑफ चार्मिंग फ्रेंड्स फिल्म, मैड मी लंच माई एंड क्राई डेफिनेटली एंड बट कोल, नाइस फिल्म, गुड मूवी, मेक्स यू अप्रोचमेंट लाइफ, आई हैव नॉट वॉच द होल मूवी बट द बींग वॉज नॉट फॉर किड्स एंड बियर ऑफ दिस मैन ड्रग ऑफ दिस गुड एंड आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस वेरी मूवी। साल 2016 में रिलीज़ हुई माय लाइफ एज ए जुचिनी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी गास्पार्ड सलाटर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था माय लाइफ एज ए जुचिनी मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि माय लाइफ एज ए जुचिनी मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज़ हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद, जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 6 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 6 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुप्त उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी आईएमडीबी की बात करें तो इसकी आईएमडीबी 10 में से 7.7 है और इस मूवी की रिलीज डेट 19 अक्टूबर 2016 को स्विफ्ट स्विट्जरलैंड के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर क्लूड बारस थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं माई लाइफ एज ए जुचिनी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस 70 मिनट्स फ्रेंड्स कैलेमेशन इज आर्ट एंड वंस हार्ट ब्रेकिंग एंड गुड डार्क होपफुल मेजिकल एंड रियल्टिक इन इट इज शॉर्ट रन टाइम इट मैनज टू कंफर्टेबल सो मच अबाउट इट इज एंडरिंग एंड अदरवाइज करेक्टर दैट इट कैन ओनली बी कॉल्ड ए मास्टरफुल रिटन यूजफुल अपलिंग परफेक्ट वॉइस एक्ट एंड ब्यूटिफुल साउंड ट्रैक सिनेमाटिक गोल्ड बियॉन्ड ऑल दैट हैज द बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव प्रिपिसिंग एंडिंग दैट आई हैव एवरी एक्सप्रेशन with poignant and intelligent dialogue that leaves a deep emotional impact on the view that it itself should be an example reason for it to be stupid by the all writer and creator story this is not children film even throughout children would benefit seeing it the times of covers and so openly dark one of the surprise that I genius surprise bought by a lot of the dialogue how it all comes together to create a moving and sincere tale of childhood and family it is developed so well for such a short film the humor was amazing too the world is small all through the I do not think is need to very big character design to disconnect and really like the work of on the eyes the vehicle are ridiculous and mad the film there was a good splash of world and character detail on the teeny shade द म्यूजिक सो इज वेरी ग्रेट एंड द साउंड डिजाइन वॉज वेरी गुड फॉर ऑल दैट
need to be eye watchable. This is French and with subtitles, and the voice cast was all very appropriate for the respect roles of this. I am passed this lost of Oscar of this good thing about very fantastic and good and kids that movie. The claymation, it is cute and whimsical. It more that of 2-4 plus or really easily was inside a brilliant heartbreaking and enduring world of childhood cancer. I was given this by the other and I absolutely love it. I love now the another of this poor reputation of one of the main character Clued and also about Clued classmate Victor Pym and YT. I am also love how the other incorporated in literature into the book. It is great book if you want something to read, but it also a great book if you are looking for a book with a message. My good, this movie was good. There is some hate towards the style of the character and the fact it read background throughout it himself, not very appropriate things, but the storyline was amazing. The character very fighting and claymation is the acute throat. They could have read the movie and 17 something. It was wonderful message that was sad and happy. It could be depression and some points, but that max of recommended standing. The animation was and immaculate. He eyes expression in the world. The storyline was incredible and rather amusing. I conclude to recommended that Spelling animated movie. Had not seen such a good film is so long. The film is so heartwarming, touching and enduring. The character are so complex yet so simple. The waiting of the pathetic note, the mansion technical so great, just everything. What I enjoy most about this masterpiece of a film was that it was not afraid to delve deep into the depressing and tragic story behind an insightful look of at children in foster care who would like to be adopted by the right parents. This animation works well as the medium and good hope the disaster, the most beautiful stop motion picture I have ever seen. My one animated film that brought tear of my eyes as expected from Yellow Civis France animator. I love it stop motion driving the inocons of the foster children, their feelings and soapy younger voice is the perfect ending character. Big material to think about every children as life story that is similar to your own lives. For example, Ahmed, his father tried to make money is the way every possible because is the immigrant. This was of one of the most beautiful films I have ever seen. It also deserves best animated film for 2017. Great movie, a great quality and the poster a pretty belong girl. This movie is awesome, but suddenly the topics and PG-13 rating. Good movie, my brother says. Hope this good series and beautiful, amazing, beautiful and sad touching movie. This animation was fabulous. It was uncute and colorful. Definitely recommended. It was good. My dad said he was only to watch it for a couple of minutes and that was after he was the end credits. While not as good as Mary and Max, My Life as a Zucchini is a real great film about overcoming the